लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है आप सबको फिर से मेरा एक और नए ब्लॉग पर। आज मैं इतना कहीं टूर नहीं जा रहा हूँ, घर के आसपास का काम और बच्चों को स्कूल छोड़ना आने का जो मेरा डेली रूटीन है वो सब आप लोग से शेयर करने जा रहा हूँ। तो बनी रहेगा ब्लॉग पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का छोटा सा ब्लॉग। बाय हा खान सकेन फर्का लिनु ल बाय बाय। तो दोस्तों, अभी मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी, जो कि शाम का बचा हुआ खाना और जो कोपी फूल कोपी होता है ना उसका बचा हुआ डंठल, ये जो कि हरा वाला पत्ता है साथ, इन सबको मिक्स करके मैं अच्छे से बिल्कुल खाना बनाने वाला हूँ। आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग भी अगर शाम का बचा हुआ चावल और कोपी फूल कोपी का जो बचा हुआ ऐसे डंठल होते हैं ना उनको एक साथ मिलाकर अच्छी तरीके से चावल का रेसिपी बना सकते हो। ये देखिए, उसके साथ मैंने मिक्स किया है प्याज, ये है राई साग और बीट और टमाटर और थोड़ा सा मैं ये बात में इसमें अजीनोमोटो डालूँगा। तो ये सब कुछ मिला के आप लोग ये सब फेंकते हो तो ये सब नहीं फेंकना, जैसे शाम का बचा हुआ खाना है उसमें ये सब मिक्स करके अच्छा सा आप लोग बिरयानी की तरह या फिर पुलाव की तरह बनाकर आप लोग आराम से इसको खा सकते हो। और उसके बाद आप लोग गैस को ऑन कर लीजिए और गैस के ऊपर रख दीजिए कढ़ाई। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने के बाद इसके ऊपर आप लोग डाल दीजिए तेल, सरसों ऑयल या रिफाइंड ऑयल कोई भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें। और तेल को थोड़ा गर्म होने के बाद इस पर आप लोग डाल दीजिए थोड़ा सा साबुत जीरा। साबुत जीरा को अच्छी तरह से भुनने के बाद इसके ऊपर से आप लोग डाल दीजिए प्याज, कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छी तरह से भून लीजिए तेल के ऊपर इस तरह से। प्याज का रंग थोड़ा सा लाल होने पर इसके ऊपर से आप डाल दीजिए जो कोपी का कटा हुआ डंठल जो है उसको इस तरह से ऊपर से डाल दीजिए। और फिर इसके ऊपर से कटा हुआ बीट का टुकड़ा भी इस तरह से डाल दीजिए। और फिर जो राई पत्ता का साग जो कटा था उसको भी ऊपर से आप लोग इस तरह से डाल दीजिए। और इसमें आप गाजर भी मिला सकते हो और ऊपर से थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल रहा हूँ मैं और हल्दी इस तरह से। और थोड़ा सा कलर के लिए लाल मिर्च और ऊपर से स्वाद अनुसार आप लोग नमक को इस तरह से डाल दीजिए। इसके बाद इन सबको अच्छी तरह से आप लोग इस तरह से भून लीजिए।
और इसको थोड़ी मतलब 2 से 3 मिनट में ढक के रख दीजिए। 3 मिनट बाद इसको खोल लीजिए और इसको जो अंदर का सब्जी है आप इन सबको चेक कीजिए पका है कि नहीं पका ठीक से। तो इसके ऊपर से आप लोग फिर टमाटर डाल दीजिए कटा हुआ। टमाटर डालने के बाद आप फिर से एक बार इसको अच्छी तरह से मिलाइए आपस में इस तरह से। अभी ये देखिए ये बिल्कुल पक चुका है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये सब्जी इस तरह से पकने के बाद इसके ऊपर से जो बचा हुआ शाम का खाना है चावल इसको इस तरह से डाल दीजिए। और इसको अच्छी तरह से चावल को भी सब्जी के साथ इस पर से मिला लें। ये है शाम का बचा हुआ चावल और बचा हुआ कोपी का जो फूलकोपी का बचा हुआ डंठल और पत्ते होते हैं उनका बिल्कुल भी ये लोग आप इसके बाजार से लाने के बाद जो कोपी का जो डंठल है वो आप लोग देखें लेकिन इसको भी नहीं फेंकना। तो अच्छी तरह से धोने के बाद काट के इस तरह से आप आराम से शाम का बचा हुआ चावल के साथ ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हो। तो अभी ये खाने के लिए एकदम तैयार हो चुका है आप लोग देख सकते हो कि बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसका। ये बन गया हमारा बिल्कुल बिरयानी की तरह दिख रहा है वेज बिरयानी की तरह। पुलाव भी दिख रहा है वेज बिरयानी की तरह दिख रहा है। तो आप लोग भी घर पर इसको आसानी से बना के खा सकते हो। शाम का बच्चा हुआ खाना वाना खा के बच्चों को लेने के लिए स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि बच्चों का छुट्टी होने का टाइम हो गया है। यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है मेरा, पैदल ही जाता हूँ। हम लोग छत पर है और फूलों के अंदर घास निकली हुई है ना, घास तोड़ रहे हैं। मैं बच्चों को स्कूल से लेके भी आ गए हूँ। अभी दिन का नहीं सॉरी शाम का 4 बजने वाला है। अभी हम लोग छत पे है शाम वाला तो भी अच्छा है। अब
अभी शाम हो गई है, सूर्यास्त होने वाला है, तो हमने थोड़ा बहुत फूलों की इधर घास घूस निकाल दिया, काम भी हो गया, टाइम पास भी हो गया, थोड़ा बहुत हमारा फूल भी अच्छे दिखने लग गए। ढलता सूरज फैलाता जंगल रास्ता गुम ढलता सूरज फैला जंगल रास्ता गुम हमसे पूछो कैसा आलम ये है बेकार हमें गम होता है। अभी मैं बच्चे को उठा के नीचे जा रहा हूँ, अभी हमारा छत का सारा काम हो गया है। ये सर मैं उतर गई, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं रूम में। रूम में जाने के बाद शाम का डिनर बनेंगे, उसके बाद आप सबको मैं शेयर करूँगा, फिर हमारा ब्लॉग का एंडिंग होगा। और ये है हमारा शाम का रेसिपी।